ये सामना दरवाज़ा जो आपको नज़र आ रहा है, ये है रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक। तो अभी हम नमाज जुमा के लिए निकल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बास भाई भी आ चुके हैं। तो अभी पहली अजान हुई है, अभी खुतबा होगा, उसके बाद फिर अजान होगी, फिर नमाज जुमा होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, देखें हेलीकॉप्टर जो है ना वो सिक्योरिटी के लिए खड़ा हुआ है और चक्कर लगा रहा है मस्जिद नबवी के। जब तक जुमा नहीं होता ये ऊपर ही रहेगा। سيدنا محمد عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الأعمال الصالحات. أما بعد، فاتقوا الله ربكم الذي أمدكم بجميع النعم وعافى من شاء من النقم، فالتقوى خير زاد ليوم المعاد. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الساعات ما فضله الله من الساعات. लें जी, इस वक्त आज जुमे का दिन है और दूर दूर से दोस्त आए हुए हैं जो अक्सर यहाँ पे काम भी करते हैं ना, तो अफ्तारी करके यहाँ पे जाना है सब लोग ने। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना नींद भी पूरी हो रही है मस्जिद नबी के सहन में। शान भाई, तुम्हें भी नींद आ रही है जी? सर लेट लो, मेहर भाई थोड़ी नींद कैसी है? हल्की हल्की हो रही है। टाइम क्यों है, कितना टाइम रह गया? टाइम सारा ये और दसर भाई थे लगे गए ना। तो बस जी, हवा बहुत अच्छी चल रही है, वैसे धूप भी बहुत है। तो खैर ये जो ठंडी माशाल्लाह हवा ठंडी है, लेकिन ये है कि छतरी जो है ये हमें धूप से बचा रही है, और इसका जो ये वाला गैप है ना इसके ज़रिए हवा लग रही है। तो माशाल्लाह आस्ता आस्ता हमारे दोस्त भी जो है वो लेटना शुरू हो गए सारे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम मस्जिद नबवी में अफ्तारी के लिए बैठे हुए थे और यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती कह लें कि हमें अपने पाकिस्तानी भाई जो है वो मिले हैं। ये रियाज से आए हुए हैं, ये हैं वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं नैयर भाई, अस्सलाम वालेकुम। और बस जगह ऐसी पे बैठे हैं कि जो भी आपके दिल में ख्वाहिश होती है ना, चंद लम्हे लगते हैं वो पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। भाई कह रहे थे कि जैसे ही हम आ रहे थे हमें ये था कि शायद कहीं मुलाकात हो जाए, आपकी वीडियोज़ देख लें। तो बस ये ख्वाहिश इनके दिल में जागी है और अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अभी हम बैठे हुए हैं अफ्तारी के लिए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और माशाल्लाह इनका अखलाक, इनका प्यार जो है उसने दिल जो है वो जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। भाई आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया।
परदेसी भाई है ये हमारे लिए माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, तो बड़ा प्यार भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने रियाजुल जन्ना जाना है, तो अभी जो है ना तकरीबन क्या टाइम हो रहा है नुमान भाई? 11 हो रहे हैं, 3 से 3:30 3:30 से 4 हैं। तो खैर अभी हम तरावी के बाद लेटे हुए हैं और पहले सैरी हम करेंगे फिर जाएंगे। यहाँ पे सुकून इतना ज़्यादा ना, ना चाहते हुए बंदे का दिल चाहता है कि बंदा लेट जाए। भाई को थकन हो गई तो अभी हम नीचे जाएंगे। भाई सिक्योरिटी वाले ने हमें कहा कि आप नीचे चले जाएं, वहाँ पे आप लेट सकते हैं, ऊपर जो है वो सफाई होनी है फजर की नमाज के लिए। ये देखें ये क्लोज हो जाएंगी दरियाँ। अरे हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, अब जमजम यहाँ पे 24 घंटे आपको मिलता है। तकरीबन 1:30 हो रहा है, पहले सैरी करेंगे उसके बाद हमारा टाइम हो जाएगा रियाजुल जन्ना का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, लग गई ने चीज़ा माशाल्लाह जी। रोटी है, नान है, पराठा है, चना, मटन पाया जी हलीम जी, और पाए जो है ना वो खाएंगे अपने नुमान भाई क्योंकि बड़े शौक से खाते हैं। पराठा ले लो, पराठा भी है, लस्सियां है, क्या है सर? माशाल्लाह पराठा भी है। वीडियो जिस तरह होती है ये जो सारा रश आप देख रहे हैं ना, ये रियाजुल जन्ना के लिए है और हमें भी अभी लाइन में लगना होगा। हमारा जो टाइम है ना उसको तकरीबन 2-3 घंटे अभी, लेकिन रश देखें आप, पहले से ही लाइन में लगना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे लाइन में लगने के बाद ना अभी जाके हमारी एंट्री हो गई है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना के अंदर जाके वहाँ पर इंशाल्लाह हो सकता है फजर की नमाज अदा करने का मौका मिले। बहुत रश था इस वक्त, हमें मौका मिल चुका है माशाल्लाह। ये सामना दरवाज़ा जो आपको नज़र आ रहा है ये है रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 15 से 20 मिनट रियाजुल जन्ना के अंदर मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह नवाफल पढ़ने के बाद बाहर निकलते हुए थोड़ी सी वीडियो जो है वो मैंने शूट की ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही खूबसूरत है रियाजुल जन्ना। और यहाँ पे मिंबरे रसूल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ जो है मेहराब रसूल यानी कि जहाँ पे इस वक्त जो इमाम साहब हैं वो भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह ये वाला, और इतना सुकून था यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी तकरीबन 10-12 नफाफल जो हैं वो यहाँ पे अदा किए, और उसके बाद अब चाहे तो ज़्यादा देर भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन यह है कि जो पीछे आने वाले लोग हैं फिर उनका जो हक है ना वो आप मार देते हैं, तो इसलिए फिर जैसे सिक्योरिटी वाले ने कहा कि जी चलें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उठे और बाहर की तरफ निकल आए। और रियाजुल जन्ना से निकलते हुए ना जब बाहर को आपने आना है तो साथ ही आप रोज़ाए रसूल यानी कि सुनहरी जो जालियाँ हैं उनका भी दीदार जो है वो साथ साथ कर सकते हैं। ये सब लोग जो हैं ये रियाजुल जन्ना से निकलने के बाद जो हैं तब ही लाइन में खड़े हैं, और हम भी लाइन में खड़े हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सामने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह, बिल्कुल सामने सुनहरी जालियाँ हैं जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। और यहाँ पर दुरूद पढ़ते हुए लोग जा रहे हैं। जो आपको राइट साइड पे ना बड़ा होल जो नज़र आ रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है वो उस साइड पे है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और इसके आगे जो है ना वो हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर फ़ारूक जो है उनका रोज़ा मुबारक है। और माशाल्लाह रश भी आप देख सकते हैं 24 घंटे यहाँ पर रश जो है वो इसी तरह रहता है। अभी फजर की नमाज जो है वो भी हो गई है।
अभी मौसम ठंडा हो गया, हवा जो है वो चल रही है माशाल्लाह। तो आज हम तकरीबन कह सकते हैं आपके आधा घंटा सोए हैं पूरी रात। अभी जिस जगह से हम गुजर रहे हैं कितनी ही खूबसूरत है, सूरज भी निकला अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखिए माशाल्लाह क्लीन सर, हर जगह क्लीन आपको मिलेगी यहाँ पे, डिसिप्लिन। और ये रास्ता आप देखें, दरख्त जो है ना वो दोनों तरफ हैं माशाल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये है तुर्किश मस्जिद जो पीछे से मैंने आपको दिखाई थी, देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मिल चुकी है हमें, और आज हम थोड़ी एडजस्टमेंट में हैं, बंदे हमने थोड़े ज़्यादा बिठा लिए, चार ही और बस मुझे आगे बिठा दिए भाई लोगों ने, इनकी मोहब्बत है, शुक्रिया भाई। पीछे चार ही बैठे हैं, चार बैठे हुए हैं माशाल्लाह। इस दफ़ा ना हमने मदीने की वो गलियाँ वो रोड भी देखे हैं जो पहले हम जब आए थे तो बिल्कुल नहीं देखे थे, अब आप कह सकते हैं हम तकरीबन पूरा मदीना जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने घूम लिया है। ये रोड मेरे ख्याल से रहता था और ये भी हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा जबल अहद का पहाड़ किधर है, वो किस साइड पर आ गया, वो तो उस तरफ है, मुझे इतना पता है कि जहाँ से हम आते हैं ना वहाँ से सामने जबल अहद जो है वो नज़र आता है। खैर माशाल्लाह रोड यार कमाल के, सुभान अल्लाह। और मौसम कैसा लग रहा है जी मदीने का आजकल, दो से चार घंटे सोने के बाद हम उठे हैं नमाज ज़ुहर के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है ना रात जो पूरी मस्जिद नबी में हमने गुजारी थी ना माशाल्लाह, ये यादगार रात रहेगी हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या सुकून था, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को अपने और अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत जो है वो नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।